नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक आप सभी लोगों का परीक्षा प्लस में स्वागत करता हूं। आज हम जिस जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे वो है डिप्टी एसपी यूपी पीसीएस और आपके आईएएस के थ्रू इसमें जो आपको जॉब मिलती है, प्रोफाइल मिलती है। तो मैं स्टेट यूपी पीएससी के बारे में बात करूंगा। इस यूपीपीएससी से जो आपको पहला पोस्ट मिलता है पुलिस विभाग में, सबसे ऊपर वाला पोस्ट ये आपको यही मिलता है, डिप्टी एसपी मिलता है। इससे पहले मैंने एसडीएम का डिटेल जॉब प्रोफाइल बताया है। तो देखिए, ये पोस्ट है डिप्टी एसपी का, फुल फॉर्म है उसका पूरा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसे क्या बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, और एक और बोलते हैं इसे लोकल में, सिटी में आप देखेंगे सीओ, सर्किल ऑफिसर। ठीक है, ये दोनों है। इसका प्रोसेस क्या होता है, आप स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम कराते हैं उसके थ्रू भी आप इस पे आ सकते हैं, मतलब चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, जो भी आपके पीसीएस के एग्जाम कराते हैं उसके थ्रू आप इस पे आ सकते हैं। और यूपीएससी के आईपीएस जब आपको पोस्ट मिलती है उसमें पहला होता है आईएएस, दूसरा होता है आईपीएस। यूपीएससी आप जब सिविल सर्विसेज देते हो तो उसमें आईपीएस के थ्रू आपको जब ट्रेनिंग में आप जाते हो तो ट्रेनिंग में आपको यही पोस्ट मिलती है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 साल वर्क करने के बाद इस पे प्रोविजन पीरियड में, तब आपको जाके उसके आगे की पोस्ट मिलती है, तब आपको एसपी की पोस्ट मिलती है। और स्टेट में क्या होता है आपको कि स्टेट में आपको पहले यहाँ पे डिप्टी एसपी की ही पोस्ट मिलेगी, डिप्टी एसपी पे आपको वर्क करना है। तो उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए आप, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, 33% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स, बहुत ज्यादा परसेंटेज का इसमें होता नहीं है, जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसमें परसेंटेज आपसे कोई बात नहीं होता, सिर्फ 33% आप पास होने चाहिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए इस पोस्ट के लिए, मतलब जैसे कुछ लोग भरते हैं जिनकी हाइट कम होती है तो वो प्रिफरेंस में नहीं भरते हैं, जब वो मेंस क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू में देने जाते हैं तो इंटरव्यू का जो फॉर्म होता है उसमें प्रिफरेंस, पोस्ट प्रिफरेंस भरना होता है, तो जिस समय ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो नहीं सेटिस्फाई करते हैं वो ये पोस्ट को प्रेफरेंस में नहीं डालते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फिजिकल प्रेफरेंस है, जैसे हाइट है, चेस्ट है, तो हाइट मेल के लिए चाहिए कितना, 165 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट क्या चाहिए, नॉर्मल आपका 84 सेंटीमीटर हो और एक्सपेंशन के बाद, फुलाने के बाद आपका 89 सेंटीमीटर हो, फीमेल में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद से इसकी पे स्केल क्या है वो देख लेते हैं, सेम वही है आपकी एसडीएम वाली पे स्केल है, 15,600 से लेकर 39,100 तक, ग्रेड पे सेम वही है, 5400 ग्रेड पे की जॉब है ये, ठीक है। उसमें 15,600 ये मतलब ये बेसिक है आपका, यहां से स्टार्टिंग होंगे, जब आप डिप्टी एसपी का पोस्ट ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग में आप जब जाएंगे तो ट्रेनिंग के समय आपको 15,600 प्लस क्या ग्रेड पे, ग्रेड पे इसी में ज्वाइन होगा 15,600 में 5400 प्लस, उसके बाद से उसमें डीए लगेगा, महंगाई भत्ता, मतलब उसका पूरा परसेंटेज निकाला जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी 100% आया, 110% जो भी लगता हो, 110% किसका, ये 15,600 प्लस 5400 का 110% निकलेगा, फिर वो आपके उसमें जुड़ेगा बेसिक सैलरी में, और वो आपका बेसिक सैलरी के बाद जुड़ने के बाद जो आएगा उसमें आपको पूरा का पूरा अलाउंस मिलेगा, और अलाउंस आपको क्या होगा डिपेंड करता है आपके स्टेट पे, जिस भी स्टेट के आप जॉब कर रहे हैं उस स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो होम अलाउंस कितना दे रहा है, ट्रेवल अलाउंस कितना दे रहा है, मेडिकल अलाउंस कितना दे रहा है, तो वो सब स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ऑन अप्रोक्स एक बताया जाए कि आपको इनहैंड सैलरी जो प्राप्त होती है सबको डिडक्शन के बाद, तो इसमें ऐसे ही 63,000 से 65,000 तक, ठीक है, 65,000 तक की आपको सैलरी मिलती है इसमें, ठीक। उसके बाद से इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, जैसे ट्रेनिंग मैंने बताया था एसडीएम का आपका यहाँ लखनऊ में होता है, ऐसे ही इनकी भी ट्रेनिंग होती है, कई फेज में बटी होती है ट्रेनिंग, इनकी 3 फेज में ट्रेनिंग होती है। पहला जो होता है एक आपका कोर्स होता है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें इनको पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, पूरा आपका लॉ पढ़ाया जाता है, पूरा क्रिमिनल जितने भी रिकॉर्ड है कैसे मेंटेन करना है वो सब पढ़ाया जाता है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये मुरादाबाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस अकेडमी, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद इनकी ज्वाइनिंग होती है, और इनके जो पोस्ट है जैसे पहले ये डिप्टी एसपी बनेंगे, पावर तो आप जान गए इसका क्या, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जितने भी आपके ट्रैफिक है उसको मेंटेन करना, पुलिस जो क्योंकि ये डिप्टी एसपी क्या है, इसके ऊपर एसपी होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो डिप्टी एसपी अपने नीचे वाले में जैसे सब इंस्पेक्टर हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, कांस्टेबल हुआ, इनके जो कार्यभार है कैसे चल रहे हैं, ये सभी लोग किसको रिपोर्ट करते हैं, डिप्टी एसपी को रिपोर्ट करते हैं, और डिप्टी एसपी किसको रिपोर्ट करता है, एएसपी को, फिर एसपी को, ऐसे आपका चलता जाता है ये सीक्वेंस। तो इसमें आप प्रमोशन की बात करें तो क्या होता है, कैसे कितने
लॉन्ग टर्म में इसका प्रमोशन होता है, कितना टाइम लग जाता है, अगर आप डिप्टी एसपी पे ज्वाइन किए हो तो एक आईएएस ऑफिसर बनने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इसमें जो एज आपका मांगता है, एज की जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 21 से 40 साल है। कोई भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में स्टेट पीसीएस में 21 से 40 साल की एज लिमिट है। तो अगर आप जितने कम टाइम में आप इस पोस्ट पे आते हो, चाहे एसडीएम हो चाहे कोई भी यूपी पीसीएस का पोस्ट है, तो आपका जो प्रमोशन पीरियड है ना वो अच्छा हो जाता है, आप अच्छे पोस्ट तक जा सकते हैं लास्ट में। ठीक है, अगर जितना ही लेट करेंगे उतना क्या हो जाएगा, आपका रिटायरमेंट का जो समय है वो जल्दी आ जाएगा पास में, तो फिर वो मिल नहीं पाता है। तो ये प्रमोशन का है कि अगर हम डिप्टी एसपी के पोस्ट मिलता है तो उसके बाद हम एएसपी बनते हैं। एएसपी क्या होता है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो एएसपी की पोस्ट मिलती है कितने साल में मिलती है, कम से कम आपको 5 से 6 साल, 7 डिप्टी एसपी पोस्ट वर्क करेंगे आप 7 साल तक, तब जाके एएसपी आप बनेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल है, कोई लोग 5 से लेकर 7 साल के वेरिएबल पीरियड में ये बन जाते हैं। उसके बाद से एएसपी से अब एसपी, एसपी क्या है आपका, ये आईएएस की पोस्ट है। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने के लिए आपको कम से कम 10-12 साल लग जाएगा, तो वही 16-17 साल, वो डिपेंड करता है आपका यहां से और यहां पहुंचने में आपको 17 साल आपको सर्विसेज में लग जाएंगे। उसके बाद एसएसपी आता है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद से और भी ऊपर पोस्ट आती है, क्योंकि जो आईएएस जो यूपीएससी के थ्रू आता है वो डायरेक्ट यहां पे ज्वाइन करता है, 2 साल बाद एसपी बनता है, अब वो यहां से शुरू करता है उसको आईपीएस, क्योंकि उसके बैच की जब वो पट्टी लगी रहती है ना उस पर आईपीएस लिखा रहता है, जो स्टेट वाले होते हैं उनमें नहीं लिखा होता, जो यूपीएससी से आते हैं उनमें आईपीएस लिखा होता है जब एएसपी है वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद से ये एसएसपी के बाद उनमें कौन सी पोस्ट होती है, एसएसपी के बाद आपकी होती है डीआईजी होती है। ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। डीआईजी के बाद कौन सी पुलिस इसमें पोस्ट होती है आपका, आगे चलेंगे डीआईजी के बाद, इसमें आईजीपी होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद से क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी होता है। उसके बाद से क्या होता है, इसमें डीजीपी होता है, ये लास्ट पोस्ट होता है ये आपकी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस विभाग में सबसे ऊपर पोस्ट क्या होती है, डीजीपी। तो ये आईएएस वाले जो होते हैं यहां से ज्वाइन करते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं अपने सर्विस में, जो कम उम्र में ज्वाइन कर लेता है यूपीएससी। तो ये हो गया, तो ये आपका पूरा का पूरा डिप्टी एसपी का जॉब प्रोफाइल हो गया, कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है, कहां आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक, आपका प्रमोशन कैसे कैसे होगा, कितना पीरियड लगेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा डिप्टी एसपी का जॉब प्रोफाइल हो गया। फिर आगे हम अगली जॉब प्रोफाइल पे मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।